हम हर क्षण में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे मेरे वीडियोस है, जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, वो आप यदि यूट्यूब पे डालते हैं वो प्रॉब्लम और मेरा नाम डालते तो आपको वीडियो मिल जाएगा, साइकोलॉजी के, साइकियाट्री के, सेक्स के बारे में, एडिक्शंस के बारे में, जो भी मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, जो भी। आज हम देखते हैं कि जो भी हमको शुरुआत करनी है, अच्छी शुरुआत करनी है, वो अच्छी शुरुआत इस क्षण में करना जरूरी है। लोग बोलते नहीं नहीं अभी सालों से मैंने नकारात्मक सुझाव आत्म सुझाव लिए हुए, कितने लंबे समय से मैं नकारात्मक सोच रहा हूं। आपके बीमारी के बारे में सोचते होंगे नकारात्मक, आपके खराब रिश्ते होंगे उसके बारे में आप सोचते होंगे, आपको आर्थिक संकट आया होगा, आपने आत्मनिंदा की होगी, जो भी आपके नकारात्मक विचार है, ये विचारों को हम तुरंत निकाल सकते हैं इसी क्षण में। कम से कम इसकी शुरुआत तो कर सकते हैं निकालने की, क्योंकि ये विचार जो है वो अपना सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ लेते हैं और अपने पूरे बदन के ऊपर वो प्रभाव डालते रहते हैं। फिर देखो कि आप ये जो नकारात्मक विचार है या जो भी समस्या है, इनको आप बदलने का मतलब बदलने के लिए इनकार कर सकते कि नहीं मेरे को बदलने का नहीं, नकारात्मक विचार चलने दो। हो सकता है कि आप ऐसे कर सकते हैं, आपके पास में चॉइस है, या फिर मतलब वो समस्याओं को आप बनाए रख सकते हैं कि नहीं ये समस्या है चलो मैं यहीं रखूंगा और सोचते रहूंगा, या फिर आप ये निर्णय ले सकते हैं कि मेरे को ये निकालने का है और मैं निकाल दूंगा ये। तो ऐसा बोलने से निकलेंगे नहीं, ओके मैं निकालता हूं नकारात्मक सुझाव या नकारात्मक विचार निकालता हूं, निकलेंगे नहीं। तो उसको सबसे पहले एक्नॉलेज करना, उसकी नोन लेना कि ये नकारात्मक विचार मेरे दिमाग में आते रहते हैं, और जब आप नोन लेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, तो पहली शुरुआत है वो दूर हटने की या गायब होने की। आप बदलने से इनकार कर सकते हैं और जो है वही बनाए रख सकते हैं, या फिर आप इतने ताकतवर है कि आप जो भी सोचते हैं वो आप कर सकते हो, आप जो भी सोचते हो आपको मिल जाएगा। देखिए आप एखाद रेस्टोरेंट में जाते हो, होटल में जाते हो आप, और वहां जाने के बाद में मेनू कार्ड आता है, और मेनू कार्ड से फिर आप टिक मार्क कर देते हो कि मुझे ये आइटम खाने के है। जैसा खाने का आप चुनाव करते हो, वैसे हमारे जिंदगी में हमारे आसपास के लोगों से, हमारे वातावरण से काफी सारे विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं, या हमारे दिमाग में अंदरून पहले से जाके विचार कुछ बैठे हुए हैं, अभी उनको चुनने का निर्णय हम ले सकते हैं कि वही मैंने चुन के रखना दिमाग में, या वो लेना नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कौन सी चीजें खाऊंगा मैं तो मेरे सेहत के लिए अच्छा हूं, तो जो सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं हो मैं रिसेप्शन में या रेस्टोरेंट में जाके क्यों खाऊंगा। वैसे विचारों का है कि जो विचार मुझे आगे बढ़ाने वाले नहीं है, वो विचारों का पालन पोषण मैंने दिमाग में क्यों करना चाहिए, उसको एक्नॉलेज करो और जितना वो जल्दी गायब हो सकते हैं वो गायब करो। मगर आप गायब करने की इच्छा करेंगे, गायब करने की कोशिश करेंगे, वो वहीं रहेंगे। तो इसलिए नए नए जो चीज़ें हैं उसको आत्मसात करो, नए जो आत्म सुझाव है वो अंदर डालो, नई चीज़ें करने की कोशिश करो, और जब आप बाहर हरदम रहते हैं और सकारात्मक सुझाव बाहर से आप अपने आप को मिलते जाते हैं, तो आपका परिवर्तन हो जाएगा और वो इसी क्षण में होगा। आप इस क्षण में अपने आप में परिवर्तन ला सकते हो, शुरुआत अभी कर सकते हो। आप अभी जो आज करोगे, अभी जो एक्शन आप लेंगे, वहाँ से आपका भविष्य तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज ही शुरुआत कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।